ठीक है। याद रखिए कि दो चीज़ें हैं, एक आपकी सेविंग अकाउंट है और दूसरा आपका रेगुलर इनकम है। आप ठीक इन है दोनों को मिक्स नहीं कर सकते। ठीक है। जो चीज़ आपकी सैलरी है वो कंटिन्यूस आपके अकाउंट में आनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम जी, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग ग्रेट। तो जनाब, सबसे पहले आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोग सोबिज व्लॉग्स की वीडियोस को लाइक कर रहे हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो बस इसी तरह से जुड़े रहिए सोबिज व्लॉग्स के साथ, ताकि आपको इन्फॉर्मेटिव और एंटरटेनिंग वीडियोस मिलती रहे। तो चलिए फिर देर किए बगैर चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। लेकिन अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और एक काम जो आपने बिल्कुल नहीं भूलना, वो है आपने बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लेना है, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए फिर चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो जी, आज की वीडियो यूके विजिट वीजा का पार्ट टू है, और एक बार फिर से मेरे साथ हैं कामरान। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो आज की वीडियो में हम क्या अहम पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं यूके विजिट वीजा को लेकर, वो हमें कामरान बताएंगे। थैंक यू सो मच सोबिया। वेलकम। आज की वीडियो, जैसे कि नाम से जाहिर है, विजिट वीजा एप्लीकेशन पार्ट टू है। इसमें हम वो तमाम रीजन डिस्कस करेंगे जिसकी वजह से वीजा एप्लीकेशन अप्रूव या रिफ्यूज होती है। ठीक है। इसमें अहम जो चीज़ें हैं वो ये हैं कि वो कौन सी नकात हैं जिनकी वजह से एप्लीकेशन रिफ्यूज़ होती है। नंबर टू, कि वो कौन से लोग हैं जो किसी भी बंदे को एज अ स्पॉन्सर विजिट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपका वीज़ा एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो जाए तो आप उसकी अपील कैसे कर सकते हैं, ठीक है। और बैंक स्टेटमेंट जो कि एक अहम डॉक्यूमेंट है उसको किस तरह मेंटेन करना है, ठीक है। और कितने से तक मेंटेन करना है। और लास्ट में हम ये देखते हैं कि जो वीज़ा एप्लीकेशन है वो कितने अरसे तक आपका रिकॉर्ड यूके गवर्नमेंट के पास रहता है। ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें और इसके अलावा कुछ और अहम सवालात भी हम इस वीडियो में शामिल करेंगे। ठीक है। तो काइंडली इस वीडियो को एंड तक देखिए, ये बहुत अहम वीडियो है। जो लोग यूके विजिट वीज़ा के हवाले से बरतानिया आना चाहते हैं या किसी भी कंट्री जाना चाहते हैं, जनरल रूल सेम ही होता है। ठीक है। तो काइंडली इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है, बड़ी मेहनत से बनाई है, तो इंशाल्लाह ताला ये आपको फ़ायदा देगी इंशाल्लाह। तो चलिए फिर चलते हैं वीडियो की तरफ। जी। तो डियर व्यूअर्स, देखते हैं वो अहम नुकात जिनकी बुनियाद पर वीज़ा ऑफिसर हमारी एप्लीकेशन को जज करता है। जी थैंक यू मच, थैंक यू सो मच सोफिया। इसको डिस्कस करने से पहले मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि जितनी इन्फॉर्मेशन ली गई है वो gov.uk से ली गई है। जी। हमारा मकसद आपको एक जनरल गाइडेंस प्रोवाइड करना है जिसकी रोशनी में आप अपनी एप्लीकेशन को फिल करते हैं, जिसका मकसद ये होता है कि आपकी एप्लीकेशन अच्छे से फिल हो और आपका वीज़ा अप्रूव हो सके। बिल्कुल। हर एप्लीकेंट की एप्लीकेशन के सर्कमस्टांसेस डिफरेंट होते हैं, सेम एप्लीकेशन में भी आपके डिफरेंट सर्कमस्टांसेस का सामना करना पड़ता है। तो बेहतर ये है कि आप सिर्फ हमारे जनरल गाइडेंस के ऊपर रिलाई मत करें, तमाम तरह इन्फॉर्मेशन लेने के बाद किसी वीज़ा एक्सपर्ट से रब्ता करके अपनी एप्लीकेशन को फिल करें, ताकि आपकी एप्लीकेशन अच्छे से अप्रूव हो सके। तो जो पहला नकात है वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ कि जब भी आप अपने विजिट वीज़ा के हवाले से जब भी आप अपनी जर्नी को प्लान करते हैं तो उसमें आपके पास ये वीज़ा ऑफिसर देखता है कि आपकी जर्नी की लेंथ कितनी है। ठीक है। लॉन्ग जर्नी प्लानर रूट होता है उसके वो वीज़ा ऑफिसर देखता है। तो सवाल ये पैदा होता है कि वो क्या चीज़ देखता है, वो क्यों देखता है। वो इसलिए देखता है कि आपने ऐसे नहीं करना कि आप दुनिया के एक खत्े में हैं और विज़िट करते हुए आप यूके आए और फिर विज़िट करते दुनिया के दूसरे खत्े में गए, ऐसा नहीं है। अच्छा। यानी कि आप साउथ एशिया को विज़िट के साथ साथ यूके का विज़िट एक साथ प्लान नहीं कर सकते, या आप अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका कनाडा के प्लान के साथ यूके का विज़िट सॉरी प्लान नहीं कर सकते। ये एक रीज़न होती है कि आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो सकता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आपने शेंजन वीज़ा लगवाया तो आप यूके के जो रिलेटेड कंट्रीज हैं जो उसके साथ जाते हैं शेंजन वीज़ा में, उन्हीं को विजिट करेंगे। ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने साउथ साउथ एशिया
चाइना इन कंट्रीज के साथ साथ अचानक से बीच में यूके का विजिट भी उसी सेम डेटों में रखा हुआ है, तो हो सकता है कि इस लॉन्ग प्लान जर्नी की वजह से आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाए। ठीक है जी, दूसरी निकात की तरफ चलते हैं। चलिए ठीक है जी, तो जनाब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ये दूसरा पॉइंट है अनक्लियर प्लान रूट। ये क्या है अनक्लियर प्लान रूट? जिस तरह इसके नाम से जाहिर है, इससे मुराद है कि जब आपने अपनी एप्लीकेशन को फिल करना है तो आपका प्लान रूट अच्छे से क्लियर होना चाहिए। ये आपने बताना है उनको कि आप कौन कौन से कंट्रीज जा रहे हैं और किस प्लान रूट से आप जा रहे हैं। अगर आपका प्लान रूट क्लियर नहीं हो तो इस वजह से भी आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज हो जाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जी चलते हैं। जी थैंक यू वेरी मच सोबिया। अगला पॉइंट है लैक ऑफ लीविंग अप्रूवल लेटर। ये क्या है? जैसे इसके नाम से जाहिर है कि आप लैकिंग करते हैं, आप नहीं लगाते लीव अप्रूवल लेटर। यानी कि अगर कोई भी शख्स यूके गवर्नमेंट को जब विजिट वीज़ा के लिए जाता है तो वो ये समझ रहे होते हैं कि वो शख्स ज़रूर किसी न किसी महकमे से किसी न किसी जगह पर कहीं ना कहीं काम ज़रूर कर रहा है। ठीक है, या सेल्फ एम्प्लॉयड है या अपना पर्सनल बिजनेस कर रहा है। अगर वो किसी गवर्नमेंट इदारे में काम कर रहा है या किसी भी निजी इदारे का रुकन है तो उसको अपने से अपने एक लीविंग लेटर लगाना पड़ता है कि वो कितने दिनों की छुट्टियां ले रहा है ठीक है और वो कब तक छुट्टियां ले रहा है। अगर वो अपना पर्सनल बिजनेस करता है तो वो बिजनेस कितने टाइम के लिए किसके सपोर्ट करके जा रहा है, ठीक है, वो अपनी पावर ऑफ अटर्नी किस शख्स को दे के जा रहा है जो उसके बाद इसके बिजनेस को संभालेगा। ठीक है, तो वो अप्रूवल लेटर जिसमें ये मेंशन किया जाता है कि आपको छुट्टियां अप्रूव हो चुकी हैं गवर्नमेंट से, ठीक है, प्राइवेट इदारे से या निजी इदारे से, या आप कितने टाइम के लिए जा रहे हैं, वो एक खास किस्म का खत जो एक चीज को मेंशन करता है कि आप इतने टाइम से इतने टाइम तक अपने बिजनेस से दूर रहेंगे। ठीक है, और आपका ये दौरानिया जितने टाइम के लिए आप अपने बिजनेस से दूर हैं ये दौरानिया बरतानिया में क्याम के लिए आपने मुख्तस किया है, ठीक हो गया, तो इसको अप्रूवल लेटर की सूरत में अब अपने साथ लगाते हैं। अगर आपकी छुट्टियां अप्रूव नहीं हुई ठीक है तो चांसेस हैं अगर के आपके एप्लीकेशन रिफ्यूज हो जाए क्योंकि आपने अपने आपको किसी इदारे का रुकन जाहिर किया। Obviously. मगर उस इदारे से अगर आपने छुट्टियों का लेटर नहीं लगाया तो उस लेटर के ना लगाने की वजह से भी आपका वीजा एप्लीकेशन रिफ्यूज हो जाता है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। चौथा पॉइंट बहुत अहम है, ये आपके फाइनेंस से रिलेटेड है। अच्छा, जिसमें आपने अपने बैंक अकाउंट में जो है वो सैलरी शो करनी होती है। ठीक है, अगर आप अपने बैंक अकाउंट में सैलरी शो नहीं करते यानी कि लैक ऑफ सेविंग डिपॉजिट इन योर अकाउंट और योर सैलरी इन योर अकाउंट, आपके लैक ऑफ सैलरी डिपॉजिट जो है आपके अकाउंट में हो रही होती है, आप लैकिंग हो रही होती है, रेगुलर शो नहीं हो रही होती, ठीक है, याद रखिए कि दो चीज़ें हैं, एक आपकी सेविंग अकाउंट है और दूसरा आपका रेगुलर इनकम है, आप इन दोनों को मिक्स नहीं कर सकते। ठीक है, जो चीज़ आपकी सैलरी है वो कंटिन्यूस आपके अकाउंट में आनी चाहिए। अगर आप 6 माह की बैंक स्टेटमेंट वो रिक्वायर करते हैं तो 6 माह तक आपके अकाउंट में आपकी हर माह की सैलरी डिपॉजिट होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप अपनी सैलरी को ही अपनी सेविंग अकाउंट शो कर रहे हो, नहीं, अगर आपने सैलरी और सेविंग अकाउंट दिखाने जो सैलरी आपकी रेगुलर होनी चाहिए और सेविंग अकाउंट आपने अलग से शो करने होते हैं। टू अकाउंट्स हमें शो करने हैं उसमें। नहीं, अकाउंट तो एक ही होता है। ठीक है, उसमें कैटेगराइज आपने करना होता है जिसमें आपने बताना होता है कि ये आपकी सेविंग है, ठीक हो गया, और ये आपकी सैलरी है, और आपकी सैलरी हर महीने रेगुलर होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने 1 माह तो सैलरी आपकी आई, 3 माह में 2 माह की सैलरी नहीं आई, फिर 4th माह में आपकी सैलरी आई और फिर आखिरी माह की कोई सैलरी आपने शो नहीं की, ठीक, और आप उसी को ही अपने सेविंग अकाउंट शो कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ठीक, आप अगर आप अपने सेविंग शो कर रहे हैं तो वो सेविंग सर्टिफिकेट अलग से शो होने चाहिए। अच्छा, यानी कि 2 अकाउंट नहीं, एक ही अकाउंट है आपके पास, तो उसमें आपने बताना है कि ये जो रकम पहले से पड़ी है ये मेरी सेविंग अकाउंट है, सेविंग मनी है, ठीक है, और ये मेरी सैलरी आ रही है जो हर महीने इतनी आती है, इस तारीख को आती है और मेरे अकाउंट में ही आती है। तो आपने अपनी सैलरी को अपने बैंक अकाउंट में रेगुलर इंटरवल में शो करना है। ठीक
ठीक है। हर महीने आपके बैंक में आपकी सैलरी आनी चाहिए जितने माह तक की उन्होंने बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर की गई होती है। नॉर्मली यूके 6 माह की बैंक स्टेटमेंट मांगता है, तो ठीक है। लास्ट 6 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट में अगर आपकी सैलरी लैग कर रही है, अगर आपकी सैलरी नहीं शो हो रही, तो चांसेस है कि आपका वीजा एप्लीकेशन रिफ्यूज हो रिफ्यूज़ हो जाए, यानी कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, चलिए तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। जाए। फिफ्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लार्ज अनडॉक्यूमेंटेड डिपॉजिट इन योर बैंक अकाउंट, यानी कि कोई ऐसी रकम, कोई अच्छा। ऐसी सेविंग जो आपने अचानक से अपने अकाउंट में शो की है, अच्छा, लेकिन उसके आपके पास उसका कोई डॉक्यूमेंटेड प्रूफ नहीं है। मसलन पिछली वीडियो में भी हमने इस चीज़ का जिक्र किया था, ये बात बताई थी कि आपने अपने अकाउंट में अगर कोई ऐसी रकम शो कर दी है जो कि पहले से मौजूद नहीं थी लास्ट 6 मंथ्स की, या कोई भी हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आप अपनी सेविंग भी शो करें तो आपको बताना पड़ेगा कि ये सेविंग किस सोर्सेज से आपके पास आई है। ठीक है। अगर आपकी सैलरी 50,000 है, आपका एक्सपेंस 40,000 है, तो 10,000 हर महीने आपकी सेविंग शो हो रही है आपके अकाउंट में, ठीक है। यानी कि आपके अकाउंट में रेगुलर 15 तारीख को सैलरी आती है जो कि 50,000 है, 40,000 आपने अपने एक्सपेंस शो कर दिए और 10,000 आपकी सेविंग्स है। सेविंग से मुराद ये कि हमने उन पैसों को निकलवाना नहीं है अकाउंट से, वो हमारे अकाउंट में ही रहने रहने चाहिए, यानी कि अब वो आपकी सेविंग्स है, ठीक है। ठीक है, वो आपके एक्सपेंस नहीं है। ठीक हो गया। लेकिन अगर अचानक से आपके अकाउंट में 20 लाख शो हो जाए और आप ये ना बताएं कि ये 20 लाख किन सोर्सेज से आए हैं, यानी कि आपने अपनी लैंड को सेल किया है, जमीन को फरोख्त किया है, मकान को फरोख्त किया, अपनी किसी जायदाद को फरोख्त किया है, या आपको किसी ने गिफ्ट किए हैं, तो वो तमाम सर्टिफिकेट जो उस रकम को लाने आपके अकाउंट में लाने के लिए लगे हैं आपकी एप्लीकेशन में जरूर शो होने चाहिए। ठीक है। कोई भी ऐसी लार्ज अनडिक्लेयर्ड अमाउंट, अनडॉक्यूमेंटेड अमाउंट अगर हमारे अकाउंट में हो जिसको हमने सही तरीके से शो ना किया हो, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि वीजा एप्लीकेशन रिफ्यूज हो जाएगी। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। सही, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। थैंक यू सो मच सुबिया। छठा पॉइंट बहुत अहम है। ये एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है, जिसका मकसद आपकी एप्लीकेशन को हेल्प करना होता है और आपकी एप्लीकेशन की एक मुकम्मल समरी बयान करना होता है, ठीक है, और ये आपकी एप्लीकेशन को बहुत सपोर्ट करता है। ठीक हो गया। इसका ना लगना आपकी एप्लीकेशन की एक रिफ्यूज होने की एक वजह बनती है, ठीक है, जो बहुत सारे लोग नहीं लगाते। इसे बोलते हैं कवरिंग लेटर, ठीक है। लैक ऑफ कवरिंग लेटर की वजह से आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज हो सकती है। अच्छा। क्योंकि इस लेटर में आप मेंशन करते हैं स्टेप बाय स्टेप कि आपके यूके आने का मकसद क्या है, कितने वक्त के लिए आप ठहरेंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप अपनी एप्लीकेशन में लगा रहे हैं, ठीक है, और कब अपना आप ट्रैवल पूरा करके यूके से जाएंगे। तो ये एक अहम डॉक्यूमेंट है और इसका आपकी एप्लीकेशन में लगना इस बात का समर होता है कि आपकी एप्लीकेशन, हो सकता है कि आपकी एप्लीकेशन जल्द अप्रूव हो जाए, क्योंकि वीजा ऑफिसर के लिए बहुत आसानी हो जाती है उस लेटर के थ्रू कि वो आपकी एप्लीकेशन को समझ सके। तो अगर ये चीज आपके लिए एप्लीकेशन में मौजूद नहीं होती तो इसकी वजह से भी आपके वीजा एप्लीकेशन रिफ्यूज हो जाती है। ठीक हो गया। सही, तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। जी कामरान जी, थैंक यू वेरी मच सोबिया। अभी जो पॉइंट हमने डिस्कस किए थे अपन को रिकैप करते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट यही है कि इन पॉइंट को हम देख लें। आज की वीडियो का जो मकसद था वो ये था कि उन तमाम नकात को डिस्कस करना जिनकी वजह से वीजा एप्लीकेशन रिफ्यूज होती है, ठीक है। उनमें सबसे पहला पॉइंट जो हमने डिस्कस किया वो था लॉन्ग जर्नी प्लानर रूट, कि आपकी जर्नी का रूट जो है वो लंबा नहीं होना चाहिए, क्या मुल्क एक हिस्से से अचानक से जब करके यूके आ रहे हैं, आपका प्लान एक ही तरह का होना चाहिए, लॉन्ग नहीं होना चाहिए, ठीक है, रूट आपका क्लियर होना चाहिए। दूसरा अनक्लियर रूट, कि आपने अपने तमाम रूट को
अपनी एप्लीकेशन में क्लियरली मेंशन करना है. अगर आपने क्लियरली मेंशन नहीं किया हुआ और आप उसके लिए जा रहे हैं तो आपका हो सकता है कि एप्लीकेशन रिफ्यूज हो जाए. तीसरा, अप्रूवल लेटर. आप कहीं भी किसी भी इदारे में काम करते हैं, चाहे वो निजी हो या सरकारी इदारा हो, आपने अपने इदारे का लीव अप्रूवल लेटर ज़रूर लगाना है, जिसमें ये मेंशन होना चाहिए कि आप कितने अर्से के लिए जा रहे हैं, किस जगह जा रहे हैं और किस वक्त अपनी नौकरी को दोबारा से ज्वाइन करेंगे. अगर आप अपने बिजनेस ऑनर हैं तो आपने ये बताना है कि आप कितने टाइम के लिए मुल्क से बाहर जा रहे हैं और आपका बिजनेस किसके हवाले करके जा रहे हैं, किसके पास आपकी पावर ऑफ अटॉर्नी होगी. और ये एक रीज़न होता है कि आप वापस आएंगे. अगर आप जा रहे हैं तो आप वापस भी अपने बिजनेस के लिए वापस आएंगे. ऐसा नहीं है कि आप यूके आने के बाद आपका मकसद कुछ और है, आप उसके बाद वापस नहीं जाएंगे. तो लीविंग लेटर लगाना बहुत ज़रूरी होता है. अगला पॉइंट हम डिस्कस किया कि सैलरी को किस तरह डिपॉजिट करना है, कि आपने हर माह अपनी सैलरी को अपने बैंक अकाउंट में शो करना है अप टू 6 मंथ. ठीक है. अगर आप अपनी सैलरी को 6 माह तक डिपॉजिट नहीं शो कर रहे तो आपका वीजा रिफ्यूज हो सकता है. अगर आप ये कह रहे हैं कि आपके बैंक अकाउंट में आपकी सेविंग मौजूद है और आप उसी को ही अपनी सैलरी भी बता रहे हैं, ठीक है, तो ऐसा नहीं होता. आपको अपनी सेविंग और अपनी सैलरी अलग से शो करनी है. ठीक है. या आप उनको दो डिफरेंट अकाउंट में शो कर दें या एक ही बैंक अकाउंट में आप उनको दो डिफरेंट जगह पे शो करें. ठीक है. जितनी भी आपकी सैलरी है वो आपके बैंक अकाउंट में आनी चाहिए, रेगुलर आनी चाहिए और उतनी ही आनी चाहिए जितनी आपने मेंशन की है. ठीक है. लार्ज अनडॉक्यूमेंटेड जो है डिपॉजिट आपके बैंक अकाउंट में अगर हो जाए तो वो आपने बताना है. अगर आप अपनी सेविंग किसी चीज़ को शो कर रहे हैं तो आपके पास वो तमाम चीज़ें मौजूद होनी चाहिए जो ये चीज़ को जाहिर करें कि ये सेविंग आपके अकाउंट में किस लिए मौजूद हैं, किस तरह से आई हैं. ऐसी कोई बड़ी अमाउंट जो अचानक से आपके अकाउंट में हो या पहले से ही आपके अकाउंट में हो और आपने उसको सही से डिक्लेयर नहीं किया हो तो चांसेस है आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो सकता है. आपने डिटेल कवरिंग लेटर लगाना होता है. जहाँ भी आप यूके अगर जा रहे हैं तो आपने अपनी एप्लीकेशन को जब आपने फिल कर दिया, सब कुछ कर दिया, तो आपने एक कवरिंग लेटर होम ऑफिस के नाम लिखना है. ठीक है. वो एक डिटेल कवरिंग लेटर होना चाहिए जिसमें आपने अलग से तमाम चीज़ों को समराइज करके बताना है कि आप किस कंट्री जा रहे हैं. अगर यूके आ रहे हैं तो यूके आ रहे हैं, कितने टाइम से कब तक आ रहे हैं, कितना स्टे आपके पास होगा, किस जगह पे आपका स्टे होगा, आप किस शख्स के पास आ रहे हैं, किसी बिजनेस ट्रिप के लिए आ रहे हैं, किसी भी काम के लिए आ रहे हैं, आपके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट कौन कौन से हैं, आपकी बैंक स्टेटमेंट कौन कौन सी है और आप किस जो है टाइम को अपना स्टे ख़त्म करेंगे. तो तमाम चीज़ें एप्लीकेशन करने के बाद एक डिटेल कवरिंग लेटर ज़रूर लगाएं. अगर आपका डिटेल कवरिंग लेटर मौजूद नहीं हो तो आप हो सकता है कि वीज़ा जो है ऑफिसर वो आपकी एप्लीकेशन को रिफ्यूज़ कर दे. ठीक है. सही. तो ये थे जनाब वो अहम पॉइंट जो हमने आज डिस्कस किए. तो जनाब आई होप आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी. अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि ये वीडियो आपके लिए ना सही लेकिन आपके किसी फैमिली मेम्बर या किसी फ्रेंड के लिए हेल्पफुल साबित हो. तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त. अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कॉमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि उसका आंसर ज़रूर दें. तो अपना रखिएगा बहुत ख्याल, दुआओं में रखिएगा याद. अल्लाह हाफिज़.